एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 फाउंडेशंस जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। इनको मैं 2 साल से यूज़ करते आ रही हूँ और ये जो फाउंडेशन मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारे 1000 की रेंज में है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। इस वाले फाउंडेशन को आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं बात कर रही हूँ इस वाले मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन की, मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। सो अगर आपको ना कोई भी आप फाउंडेशन लगाते हो, अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है, फाउंडेशन लगाने के बाद आपके जो पोर्स हैं वो विजिबल होते हैं, तो ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है तो। लाइक आप जब इसको अप्लाई करोगे ना, आपके जो पोर्स है वो ब्लर आउट हो जाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फाउंडेशन। मीडियम कवरेज है और इसमें मेरा शेड जो है वो है 310 सन बेज और ये कुछ ना इस तरीके के पम्प के साथ आता है, आप देख सकते हो। और ये फाउंडेशन डेली वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप डेली वेयर में फाउंडेशन लगाना पसंद करते हो तो ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। लगाने के बाद आपको फील नहीं होगा, और हैवी सा जो फील होता है ना कुछ फाउंडेशन लगाने के बाद, उस तरीके का ये नहीं है, बहुत ही लाइट सा है। और इसका जो प्राइस है वो जस्ट 300 या 350 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन दी शेड गोल्डन बेज। ये फाउंडेशन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, ये फ्लैशबैक नहीं करता है। लाइक इसको अप्लाई करके अगर आप मेकअप कर रहे हो तो ये फ्लैश लाइट में अगर आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो तो ये फ्लैशबैक नहीं करेगा, बिकॉज ये 7 लाइट में टेस्ट किया गया है। और ये कुछ इस तरीके के ना स्पैचुला के साथ में आता है एज यू कैन सी। एंड इसकी टेक्सचर की मैं बात करूँ तो टेक्सचर भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है और ब्लेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, आप देख सकते हो। और ये वाले फाउंडेशन में मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, बिकॉज इसमें से ना मुझे कलर की स्मेल आती है, अदरवाइज फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये वाला फाउंडेशन का प्राइस है 599, बट अदर आपको डिस्काउंट प्राइस पर ये मिल जाएगा। और ये वाला फाउंडेशन मैं ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना तो आप ये वाला फाउंडेशन मत लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा अगर आप लगाओगे तो। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप ले सकते हो इस वाले फाउंडेशन को, बट आपको थोड़ा सा जो है फेशियल ऑयल या मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद ही इसको लगाना। तो ये वाला भी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सारे जो फाउंडेशन मैं आपको बता रही हूँ तो उनकी बाय लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ओके, जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है ये एले गर्ल का प्रो मैट HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन। अगर आप कोई भी फुल कवरेज फाउंडेशन ढूंढ रहे हो ना गाइस, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक इसकी एक सिंगल लेयर अप्लाई करने पे आपको ये मीडियम कवरेज देता है, अगर आप इसकी डबल लेयर अप्लाई करोगे तो ये आपके फेस पर फुल कवरेज फुल कवरेज देगा। ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है इस वाले फाउंडेशन को ही यूज़ करके किया है। और इसमें जो मेरा शेड है वो है सैंड और ये ऑल स्किन टाइप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये अगेन इस तरीके के पम्प के साथ आता है एज यू कैन सी। और इसका जो प्राइस है वो 1200 है, बट इसको मैंने फ्लिपकार्ट से 650 में लिया था जब फ्लिपकार्ट पर ऑफर चल रहे थे। तो आप चेक कर लेना अगर आपको ये 600 या 650 में भी मिल जाएगा। और ये वाला फाउंडेशन ना कुछ इस तरीके के ग्लास बॉटल में आता है, आप देख सकते हो, और इसमें आपको मिलती है 30 ml की क्वांटिटी। नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो अगेन एले गर्ल का फाउंडेशन है, बट इससे जो पहले मैंने बताया था वो मैट फाउंडेशन था, बट ये है एले गर्ल का प्रो कवरेज HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। ये इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है, अगर आप कोई भी ग्लोवी या डूवी सा मेकअप लुक कर रहे हो तो ये फाउंडेशन बेस्ट है ग्लोवी मेकअप के लिए। और इसमें जो क्वांटिटी आती है वो आती है 28 ml की, और ये अगेन कुछ इस तरीके के पम्प के साथ आता है, आप देख सकते हो। और प्राइस भी इसका सेम है, बट ये अगेन आपको 650 की रेंज में मिल जाएगा। और ये ना प्लास्टिक बॉटल के साथ में आता है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और ये जो कवरेज है इसकी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और जो लास्ट फाउंडेशन है वो एक फाउंडेशन स्टिक है, बट आई एम नॉट फैन ऑफ फाउंडेशन स्टिक, बट ये वाली फाउंडेशन स्टिक जब मैंने यूज़ करी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोग को ये सजेस्ट कर रही हूँ। सो मैं बात कर रही हूँ ये मेकअप रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक की, एंड इसमें मेरा शेड है F6 और ये कुछ इस तरीके के ना बुलेट लिपस्टिक के फॉर्म में आती है, आप देख सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है वो 750 है, और
इसका जो टेक्सचर है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लाइक आप कोई भी दूसरे फाउंडेशन स्टिक यूज करोगे ना तो वो ब्लेंड बहुत ही मतलब ब्लेंडेबिलिटी में वो अच्छे नहीं होते हैं, बट ये वाला फाउंडेशन स्टिक जो है वो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। कवरेज भी बहुत ज्यादा इसकी अच्छी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के हैं एंड कवरेज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप देख सकते हो, और ब्लेंड करके मैं आपको एक मिनट बता दूँ, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाती है। और कोई भी अगर आप फाउंडेशन लेते हो तो पहले ना आप अपने फाउंडेशन का जो अपनी स्किन का शेड है ना पहले वो आप चेक कर लो कहीं मॉल से जाके, उसके बाद ही आप ऑनलाइन लो, बिकॉज शेड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है अगर आप डायरेक्टली कोई भी वीडियो किसी की देखते हो और स्किन, क्योंकि स्किन सबकी अलग अलग होती है राइट, तो आप अपने स्किन का जो शेड है वो पहले चेक कर लो, उसके बाद ही कोई शेड फाउंडेशन आप ऑनलाइन ऑर्डर करो। सो गाइस दैट इज फॉर द टुडेज वीडियो, आई रियली होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का जो रेड वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो और बाजू में जो बेल आइकन होगी उसको भी हिट कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।